क्योंकि बीजेपी के लोगों को पहले से मालूम था महाराष्ट्र में बीजेपी को बहुमत मिलने वाला है। क्यों मालूम था? क्योंकि ईवीएम में घोटाला करके उन्होंने ये सारा खेल बनाया था। मेरे पास इसके सबूत है, केवल सबूत नहीं, मैंने सुप्रीम कोर्ट में ये सारे सबूत दिए हुए हैं। और आप सुनकर हैरान हो जाओगे, सुप्रीम कोर्ट ने 2 जनवरी को ईवीएम मशीन के घोटाले के विरोध में, इलेक्शन कमीशन के विरोध में ऑर्डर दिया कि 8 हफ्ते में हमें जवाब दो। ये जो ईवीएम में घोटाला होता है उसको रोकने वाली जो मशीन है वीवीपीएटी, वो आप कब तक लगाने वाले हो? सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया 2 जनवरी को। मैं कोई आप लोगों को काल्पनिक बातें नहीं बता रहा हूं, मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है साथियों। तो इसके आधार पर उनको पहले से मालूम था बहुमत मिलने वाला है, बहुमत मिलेगा तो गोपीनाथ मुंडे मुख्यमंत्री होगा ही होगा। अगर हम उसको ऊपर नहीं भेजते हैं तो उसको रोकना संभव नहीं होगा, बेचारे को ऊपर भेज दिया। ईवीएम मशीन ने अगर कोई पहली हत्या की तो मैं ऐसा मानता हूं ईवीएम मशीन की वजह से गोपीनाथ मुंडे को ऊपर भेजना पड़ा। साथियों ये बात इसलिए भी मैं उठा रहा हूं क्योंकि मैं ये ईवीएम मशीन की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा हूं। आप सुनकर हैरान हो जाओगे, कल 20 तारीख को, आज की 21 है, 20 तारीख को भी मैंने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया था। रोमानी साहब 20 तारीख को नया ऑर्डर इश्यू हुआ कि 403 में से 154 जगह पर वीवीपीएटी मशीन लगाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में ये ऑर्डर इश्यू किया और इलेक्शन कमीशन ने लिखकर दिया, क्योंकि मैंने कहा सारे देश भर में इलेक्शन कमीशन को लोग डरते हैं, मैंने इलेक्शन कमीशन को डराया। मेरे एप्लीकेशन पर इलेक्शन कमीशन ने 154 जगह वीवीपीएटी मशीन लगाने का एफिडेविट दाखिल किया। मैं फिर भी इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट को कहा मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, मैं अब बड़ी कार्रवाई उत्तर प्रदेश में शुरू करने वाला हूं। अभी क्या करने वाला हूं मैं अभी बताने वाला नहीं हूं, वो थोड़ा सीक्रेट है, मगर बड़ी कार्रवाई करने वाला हूं। और अब कार्रवाई आप लोगों को जल्दी पता चलेगी और बड़ी कार्रवाई होगी, दुनिया में मालूम हो जाएगी। साथियों ये बात मैं खासतौर पर बॉम्बे के इस महामोर्चा में बता रहा हूं क्योंकि बॉम्बे के अंदर पता चला चुनाव होने वाले हैं। अरे यहां भी घोटाला होने वाला है, यहां भी घोटाला होने वाला है। जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं उन लोगों को पता नहीं है यहां भी घोटाला होने वाला है और चुनाव आयोग की मदद से होने वाला है। चुनाव आयोग में हिम्मत है तो मेरे खिलाफ केस दायर कर ले, फिर मैं दिखाता हूं उनको। मैं ऐलानिया ये बात बोल रहा हूं, मेरे पास भी इसके सबूत है। जितने सबूत मैंने सुप्रीम कोर्ट में दिए उससे ज्यादा है मेरे पास।